हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो पिछली ट्यूटोरियल में हमने पढ़ लिया था कि एक्स कॉपी कमांड क्या काम करता है, ठीक है। और आज का देख लेते हैं हमारा थर्ड कमांड कौन सा रहने वाला है एक्सटेंड में। तो थर्ड कमांड है हमारा लेबल, ठीक है। तो लेबल कमांड देखिए बेसिकली होता क्या, मैं समझा देता हूँ। पहले लेबल का मतलब, पहले आप समझो कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसका लेबल नेम लिखा रहता है, ठीक है। तो लेबल का मतलब आप नाम समझ सकते हो। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लेबल लगा कहाँ होता है, काम कैसे करता है, किस पर काम करता है। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लोकल डिस्क सी, यहाँ पर लोकल डिस्क डी, यहाँ पर लोकल डिस्क सॉरी मीडिया ई, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोकल डिस्क एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीडिया लिखा हुआ है, ठीक है, और जहाँ पर ये लोकल डिस्क लिखा हुआ है, इसी को हम लेबल के नाम से जानते हैं। और जो उसके आगे नाम लिखा हुआ है ना, सी डी ई और एच, ये हमारी ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव के नाम होते हैं। तो ये जो मीडिया लिखा हुआ है, ये नाम मैं यहाँ से चाहूँ तो रीनेम कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पर आऊँगा, और यहाँ पर अपना कोई भी मनपसंद नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ अभी KCTI, एंटर। तो यहाँ पर हमसे परमिशन पूछेगा, तो मैं कहूँगा ठीक है, कंटिन्यू कर दो भैया, और ये हो गया KCTI, ठीक है, नाम चेंज हो चुका है। तो यही सेम काम अगर हम इसको हटाना चाहें ना, अगर मैं इसको रीनेम करके इसका नाम हटाना चाहूँ तो वो हटा नहीं सकता। मैं इसको डिलीट कर दूँ और एंटर कर दूँ तो वो नहीं होगा, हट ही नहीं रहा। तो ये सारे काम जो है हम CMD के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। हटा भी सकते हैं और चाहें तो दूसरा नाम लगा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डॉस को ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रन करेंगे, ठीक है। CMD रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, परमिशन आपसे पूछेगा, आप एक्सेप्ट करोगे। तो ये खुल करके आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लेबल कमांड लिखते हैं, LABEL, और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई लेबल नहीं दिया गया है, कोई ये सीरियल नंबर दिया हुआ है वॉल्यूम का, और ये 32 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर नाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ आराम से। तो मैंने यहाँ पर दे दिया भैया, इसका नाम दे दिया मैंने ASDF, और एंटर। तो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। लेबल कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका क्या नाम आ रहा, ASDF, ठीक है। फिर से एंटर कर देंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि डिलीट करंट वॉल्यूम लेबल, मतलब जो ये लेबल मैंने दिया हुआ है इसको मुझे डिलीट करना है या नहीं। तो मुझे अभी नहीं डिलीट करना, मैं इसको करता हूँ एन। तो यहाँ पर पूछ रहा है वाई के लिए, मतलब यस के लिए वाई और नो के लिए एन, और एंटर करते हैं। अब मैं वापस से आता हूँ अपने ई ड्राइव पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले CD /, और एंटर आ गया। मैं ई ड्राइव पर आता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पर लेबल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जब नाम चेंज किया था तो उसका नाम मैंने क्या कर दिया था, KCTI। तो मुझे नाम इसका अभी चेंज करना है, तो मैं इसका चेंज करूँगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या अभी करंट वॉल्यूम के लेबल को डिलीट करना है, तो हाँ मुझे डिलीट करना है। मैं वाई प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा, डिलीट हो चुका है, LABEL करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है ई हैज़ नो लेबल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो KCTI दिया था ना, वो डिलीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, लोकल डिस्क ई, मतलब मैं जो यहाँ से जब डिलीट कर रहा था उसका नाम बदल रहा था तो नहीं बदल रहा था, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, डिलीट हो गया पूरा लेबल ही, ठीक है। तो अब मैं इसको नया नाम कैसे दे सकता हूँ, तो यहीं पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहीं पर आपको अपना नाम देना होता है, ठीक है। तो नाम कैसे देंगे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया था सी ड्राइव में, ये ASDF दिए थे ना, वैसे यहाँ पर भी देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मीडिया, क्योंकि इसमें मेरी मीडिया फाइल्स हैं, और एंटर। ये नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। लेबल करके आप फिर से चेक कर सकते हो। तो ये देखो ई का क्या हो गया है, मीडिया। तो इस तरीके से हम लेबल कमांड का यूज़ करके अपनी ड्राइव्स का लेबल्स चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर लेबल डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने लेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। आप फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।